कक्षा 8 विषय विज्ञान दिनांक 10 सितंबर 2021 और अध्याय 3 है संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक। आज के होमवर्क के टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है प्लास्टिक प्रकार का होता है, तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। दूसरा है पॉलीथीन या PVC प्रकार का प्लास्टिक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। नंबर 3 है बेकेलाइट और मेलामाइन प्रकार का प्लास्टिक है, तो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है रसोई के बर्तन कौन से प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, तो रसोई के बर्तन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इसके हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है प्लास्टिक के प्रकारों के नाम लिखो। तो प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण और गुण भी लिखिए। तो गुण लिखेंगे हम, यह गर्म करने पर पिघल जाता है और इसको पिघलाकर अनेक आकारों में ढाला जा सकता है। उदाहरण में लिखेंगे हम PVC, पॉलीथीन, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण व गुण लिखो। तो इसके उदाहरण लिखेंगे हम बेकेलाइट, मेलामाइन, और गुण है यह एगुलनशील है और गर्म करने पर पिघलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया प्लास्टिक के दो गुण लिखिए। तो इसके गुण लिखेंगे हम, यह नरम और हल्की होती है, उसमें वह विद्युत की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है 5R सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम कीजिए, रिड्यूस उपयोग, पुनः उपयोग कीजिए रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए रिसाइकिल, पुनः प्राप्त कीजिए रिकवर, और उपयोग ना करना रीयूज। तो आज के होमवर्क के टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हमने अभी देख लिए हैं।